साथियों, इस बजट में इसका भी ध्यान रखा गया है कि मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर के हाथ में ज्यादा पैसे बचे। सरकार ने अब टैक्स की एक नई स्लैब का विकल्प दिया है। इस स्लैब सरल भी है और इसमें टैक्स बचाने के लिए कुछ खास योजनाओं में ही इन्वेस्टमेंट करने का दबाव भी नहीं है। इस स्लैब के तहत साल में 7.5 लाख तक कमाने वाले के लिए तो टैक्स सीधा 20% से घटकर 10% यानी आधा हो गया है। वहीं 15 लाख रुपए सालाना कमाने वाले व्यक्ति के लिए इस टैक्स सिस्टम में लगभग 80,000 रुपए तक की बचत संभव है। साथियों, हमारी सरकार देश के ईमानदार करदाता का हमेशा से सम्मान करती है। देश के विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब तक देश में ऐसी व्यवस्था रही है कि टैक्स से जुड़े कानून लाकर टैक्स पेयर को यह बताया जाता रहा कि आपको इस कानून का पालन करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, लेकिन जो लोग इस कानूनों का पालन करवाते हैं, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, उनकी भी तो देश के टैक्स पेयर के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। अब हमारी सरकार टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स का दायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाने जा रही है। टैक्स पेयर्स चार्टर हम अब लाने वाले हैं। इस चार्टर के माध्यम से ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा की जाएगी। साथियों, इसके अलावा हम बैंकों को मजबूत कर रहे हैं। बैंकों की सेवाओं को देश के लिए, लोगों के लिए और सुविधाजनक बना रहे हैं। बैंकों में जमा आपके पैसे को अधिक सुरक्षा देने के लिए डिपॉजिट पर गारंटी को 1 लाख से सीधा बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है।